जय श्री राम भाई, आप सभी का स्वागत है होटल मैनेजर सिमुलेटर के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। भाई आप सभी ने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि हमारा होटल पूरा रेडी हो चुका है। अब भाई मैंने इसका नामकरण भी कर दिया है राइजन राम होटल। और भाई पता नहीं क्यों यार हम लोग यहाँ पे होटल बोलते हैं, वो लोग वहाँ पे मोटल बोलते हैं। और अभी अपने पास भाई एक टास्क किया हुआ, ये टास्क मेरे को बहुत देर से नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ और मैं आप लोग को भी बताऊँगा कि ये टास्क है क्या। भाई बस यहाँ पर मुझे अपना देखना है कि भाई पेट्रोल पम्प में पेट्रोल वेट्रोल तो है ना। भाई देखो यार ये यही तो हाल है भाई, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टाफ स्टाफ रखूँ। और यार यहाँ पे तो पूरा सामान भरा पड़ा है, यहाँ पे तो कमी है नहीं, और मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि भाई स्टाफ रखूँ। लेकिन स्टाफ रखने के लिए मुझे पहले एक स्टाफ के लिए रूम बनाना होगा स्पेशल। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर भाई अपग्रेड में मेरे को जाके ना जैसे स्टाफ रूम, क्योंकि एक भी स्टाफ रूम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो हो रखा है। अगर मैं स्टाफ रूम बनाता हूँ तब जाके स्टाफ यहाँ पर रहेंगे। तो भाई अभी देखो मैं इसमें पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, अभी मुझे अपने होटल को मुझे अपने मोटल को और बढ़िया बनाना होगा। तो भाई चलो मैं आप लोग को बता रहा था कि ये 25 क्या है। तो भाई ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेक रूम वन बोनस रिवेन्यू, मतलब एक रूम का जो बोनस है ना वो $25 उसका आना चाहिए। जैसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये रूम है, ये रूम हमारा जो बिक रहा है भाई वो है 200 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दो दिन के लिए स्टे कर रहा है तो 200 दे रहा है, 100 एक दिन का, 100 एक दिन का। और भाई जो मेरे रूम का बोनस मिल रहा है ना वो 9.75 मिल रहा है, मतलब भाई मुझे कम से कम 25 देना ही देना। भाई ये कहाँ से प्रकट हो गया। अच्छा चेकआउट करने आया भाई, ओके ठीक है, चलो इसने चेकआउट कर लिया। भाई यहाँ पे ना आप लोग को सबके तीन दिखेंगे, भाई मैंने यहाँ पे चार कर लिया। भाई देखो थोड़ा उटपटांग कलर है मैं जान रहा हूँ, लेकिन इसको भी मुझे सुधारना है, सुधार लेंगे अच्छे से। बट मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ कि मैं ये कैसे टास्क जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। तो फटाफट ना मैं यहाँ पे ना कुछ डिलीवरी वाले सेलेक्ट कर रखा हूँ जिससे मुझे अच्छा खासा बोनस मिलेगा, तो फटाफट मैं इसको ऑर्डर कर देता हूँ। और भाई ये जब तक आता है ना तब तक हम एक रूम में आराम कर लेते हैं। भाई चलो फटाफट, ये रूम खाली नहीं है भाई, फोर्थ रूम शायद मेरे को लग रहा है खाली है। वो भाई यहाँ पर गंदगी हो रखा है यार, भाई ये लोग क्या कैसे कैसे रहते हैं यार। भाई ये मूली कहाँ, भाई ये बंदा मूली क्या कर रहा था लेकर। भाई देखो मतलब अलग ही शौक है यार इनके तो, भाई नवाब वाले शौक हैं इनके। कचड़ा है ठीक है, मुझे ये इस रूम को ना रेडी कर देना होगा, क्योंकि भाई चलो अगर कस्टमर कोई आ जाता है तो उसके लिए मैं ये रूम रेडी कर देता हूँ। और तो कुछ भाई बेड, भाई यार ये अब बताओ मैं क्या बोलूँ आप लोग को। चलो भाई इसको ले लेते हैं, और भाई मैंने इसको खड़े खड़े सोचता हूँ बास्केट डालने के लिए। ये भाई नहीं गया, भाई चलो यार देखो अपना ही मोटल है, थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको। अब भाई कोई आ रहा है क्या, वैसे मैंने शायद मोटल को ऑफ कर रखा है, कोई आ भी नहीं सकता है। नहीं भाई ऑन है, कोई आना चाहे भाई, चलो ठीक है यार ऑन ही रखता हूँ। भाई आ जाएंगे तो दो चार पैसे भी आ जाएंगे। भाई तीन नंबर वाला बेडरूम भी बहुत ही बढ़िया बनाया भाई। देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मेरा कितना अच्छा यहाँ पे कारोबार चल रहा है तो आप लोग भी बोलोगे कि वाह भाई। देखो यार एक दिन में आराम से कुछ नहीं, अगर होटल वोटल चल रहा है ना तो एक दिन में भाई बंदे तो आ ही जाते हैं, $1000 तो आराम से आ जाता है अगर चलता है अच्छा खासा। तो अगर मैं तीनों चीज़ रन करता हूँ, अपना शॉप भी हो गया, गैस पंप भी हो गया, और भाई अपना मोटल भी, तो आराम से अच्छा खासा भाई अपने पास इनकम जनरेट हो जाता है। अब भाई सुबह डिलीवरी आएगा और मैं देखता हूँ यार कि और लोग जो हैं ना रुके हुए उन लोग का टाइम कितने बजे यार ख़त्म होने का। भाई एक 7 घंटा 5 घंटा तक, चलो यार मैं भी एक नहीं ले ही लेता हूँ। वैसे यार आपको लग नहीं रहा होगा कि ये सुबह है भाई, ये सुबह है, ये 6 बज रहे हैं सुबह के। चलो मैं क्या करता हूँ ना यहीं पे आराम कर लेता हूँ, ठीक है। भाई शायद डिलीवरी वाला आ गया यार, डिलीवरी वाला भाई यार लेकिन लेट पहुँचाया भाई। हैं भाई क्या कर रहा था छोरे। ओके भाई अपने पास बहुत तगड़े तगड़े आइटम आ चुके हैं जिससे मेरा बोनस बहुत तगड़ा होने वाला है, तो मैं फटाफट करता हूँ। भाई ये पुलिस ना भाई, ये बहुत ये लोग मेरे पर जुर्म ढा रहे हैं भाई ये लोग।
भाई, लेकिन ना रूम वन को ना खाली करवाना होगा मुझे, क्योंकि वहां पे लगाना पड़ेगा ना भाई। ये ऐसे मैं फेंक दे रहा हूँ भाई। ये क्या कारपेट है शायद, आई थिंक। हाँ चल भाई जा तू, क्योंकि यार देखो इन लोग को रुकवाने का कोई फायदा तो है नहीं भाई। देखो मैं इसको ना रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रूम में ही रहने देता हूँ इन सबको। भाई देख रहे हो ये बाथ टब है भाई, क्या ही गजब लग रहा है भाई। पुलिस आया भाई, अपना काम किया और फिर से बना। ओके अब भाई मेरे पास क्या था यहाँ पे ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े हुए हैं, मैं इन सबको ले जाके ना वहाँ पे भाई वापस से वो कर देता हूँ। भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अरे भाई वो कहाँ गया, इसको मैं फटाफट यहाँ पे रख देता। ओके चल भाई, मेरे को लग रहा है कि ये रूम रेडी हो चुका है भाई अपना। भाई ये लोग पता नहीं कब निकलेंगे यार, कितना टाइम इन लोग का बाकी है भाई। एक्स्ट्रा भी रुक जाते हैं कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है भाई। नहीं भाई और ख़त्म है भाई, इसका तो बस और 40 सेकंड बाकी है, इसका 3 मिनट बाकी है। चलो ठीक है भाई होने दो, अब मैं फटाफट ना रूम को रेडी करूँगा भाई। अबे चौथा रूम नंबर रेडी नहीं है क्या, ऐसा क्या चीज़ है बाकी उसमें। टॉयलेट पेपर यार, चिंदी वाले चीज़ मैंने छोड़ दिया है। वो लाइट नहीं है क्या, ओ भाई देखो ये सब सिस्टम बहुत ख़राब है मेरे पास है ना इसमें। मैं भाई पहले से ही रिजर्व में रखता हूँ 10 लीटर, ताकि जनरेटर में ना, चल भाई जनरेटर ऑन हो जाए यार। भाई कस्टमर में मतलब मैं वो कुछ नहीं करता, मैं नहीं चाहता भाई कि कोई भी कस्टमर मतलब यहाँ पे शिकायत करके जाए भाई। सब मैं चाहता हूँ कि 5 स्टार दे कर जाए, इसलिए मैं पहले से ही इसमें भर देता हूँ। और अभी मैं जानबूझ के गैस स्टेशन चालू नहीं कर रहा हूँ भाई। ओ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने गलती से बंद कर दिया था। ओके भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो उसने रूम शायद खाली कर दिया है। फटाफट देखता हूँ भाई जाके, देखो मैंने बोला ही था ना शायद आ चुका है भाई। चलो फटाफट इससे चाबी लेता हूँ। ये कौन से रूम की थे भाई, मेरे को ये याद नहीं है भाई। रूम 1, चलो बढ़िया है भाई। रूम 1 तो Have a ख़त्म, nice day. क्लियर। और अभी मैं ना सोच रहा हूँ कि जब तक ये हो जाता है तो मैं ना मोटल को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार देखो मैं अभी अपना काम पे लगे रहूँगा ना, अब बंदे अगर आते जाएंगे तो फिर मैं अपना काम ढंग से कर नहीं पाऊँगा। इसका देखता हूँ कितना टाइम बाकी है, क्योंकि अगर ये एक ही बार में सब खाली कर देना तो मेरे को आसानी रहता है यार भाई साफ करने में। चलो बढ़िया है, ये भी अभी खाली कर ही देगा। ओ भाई साहब क्या गंदगी भरा रखी है यार। पहले देखता हूँ कि और भी यहाँ पे। ओके चलो भाई ये चीज़ ले लिया मैंने, फटाफट वॉशिंग मशीन में डालो, टाइम स्टार्ट करो। और ये ले लो बेडशीट भाई, बेडशीट मैं एक ही लूँगा। चलो ठीक है भाई, मैं ये सब मैं एकदम लेट करता ही नहीं हूँ। फटाफट भाई चलो, अब भाई कचड़ा उठाते हैं यार। देखो इसी में ज़िंदगी अपनी निकल जाएगी, लेकिन मैंने अपने फादर से वादा किया है कि भाई मैं इस साम्राज्य को एक अलग ऊंचाई तक ले जाऊंगा। बट अपने काम भाई, यहाँ पे कौन पानी बोतल फेंकता है यार। चलो ये सब तो मैंने कर दिया है, रूम को क्लीन कर देता हूँ भाई। ओके भाई ऐसा लग रहा है कि भाई रूम नीट एंड क्लीन हो चुका है, मैं चेक कर लेता हूँ भाई 1 सेकेंड। तब तक यार मैं काम करूँगा ना, मेरे को लग रहा है रूम 2 भी क्लियर हो ही जाएगा। नॉट रेडी भाई, टॉयलेट पेपर। बट क्या यार टॉयलेट पेपर भाई। ओके मैं सोच रहा हूँ कि अब देखो, अब मैं ना बोनस मुझे कैसे भी भाई चाहिए तो चाहिए, वो भी एक्स्ट्रा चाहिए भाई, तो मैं इसलिए लेकर आया हूँ बहुत ही यूनिक यूनिक। भाई देख रहे हो इसमें मेरे को बोनस मिलेगा तगड़ा वाला। अब भाई मैं फटाफट ना, बस भाई चलो ये भी निकल गया है। अब मैं ना ये सब सोच रहा हूँ कि पुराने जो चीज़ थे ना उन सबको सेल कर दूँ, क्योंकि मेरे पास ना नए नए हीट ट्रेंस आए हुए हैं। चलो पहले मैं ना इसका वो चाबी ले लेता हूँ। चल भाई तू चाबी दे Have a बल्टी nice माँ। day. ओके भाई चलो ये चीज़ तो हो चुका है भाई। लेकिन यार देखो अगर मैं रूम क्लोज करके रखूँगा ना,
तो भाई फिर मेरे को फायदा नहीं होगा यार, कोई आएगा भी नहीं और ना मेरा फिर कम चल पाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना भाई, देखो रूम खाली रखने से बढ़िया है, रूम भरा ही रखता हूँ मैं, लेकिन 1 और 2 को छोड़ के इसमें बंदे आएंगे और फिर 4th में बंदे आएंगे, क्योंकि देखो दोनों रूम रेडी है आई थिंक। मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं ना टॉयलेट पेपर इसमें ना सस्ता ही वाला डालूँगा, ठीक है। इसमें भी मेरे को लग रहा है कि टॉयलेट पेपर नहीं है, भाई है टॉयलेट पेपर है, इसमें टॉवल है, ठीक है, यहाँ पे ये रखा हुआ है। बाकी मुझे लग रहा है कि भाई दोनों ही रूम रेड, नहीं, 2 नहीं, 3 और 4 मुझे देना है, ठीक है, ये याद रखना है। एक डबल रूम हो गया 3 और 4 रूम हो गया सिंगल, चलो ठीक है, ये हो चुका है, फटाफट इसको लो। चलो भाई, और ये भाई, अब मेरे को ना वॉशिंग मशीन भी अच्छा खासा वाला लेना पड़ेगा यार, नहीं लूँगा तो फिर मेरा काम नहीं चलेगा। ओ भाई यहाँ पे तो ये भी गंदा हो रखा है, चलो यार यहाँ पे एक तो है, मैंने एक यहाँ पे रख देता। ओ भाई भाई भाई, एक यहाँ पे नहीं यार, यहीं पे इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। चलो अभी इस रूम का साफ सफाई करना बाकी है, भाई मैं अटक जाता हूँ यहाँ पे। भाई मुझे देखना पड़ता है नीचे भी झुक झुक के, ये देखो भाई एक और गंदगी दिखा। चलो रूम 2 भी मेरे को लग रहा है कि क्लीन हो चुका है, बस मुझे यहाँ पे रखना बाकी है। चलो मैं ना मोटर को ओपन कर देता हूँ, क्योंकि ना लोग आएंगे तो मैं 2 और 3 को देकर, सॉरी 3 और 4 को देकर मैं बिज़ी रख दूंगा, और इस वाले रूम को मैं थोड़ा सा अपग्रेड करने वाला हूँ। और कैसा अपग्रेड होगा भाई, मैं अपग्रेड होने के बाद आप लोग को तुरंत दिखाता हूँ भाई। तो चलो मैं इस रूम का ना काम स्टार्ट करता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ कि इस रूम में क्या क्या चेंजेस किया है मैंने, ये आप लोग को कमेंट में बताना होगा भाई। तो चलो फटाफट मैं इस रूम को रेडी करता हूँ। तो चलो भाई, इस बीच में ना मेरे पास एक कस्टमर आ चुका है, और भाई ये अच्छा खासा रकम देने वाला है यार, देख रहे हो 96 आवर्स, मतलब भाई बहुत ही तगड़ा। और ये सिंगल बेड इसको चाहिए भाई, बहुत बढ़िया Great. यार। देखो इसलिए मैंने सोचा यार रूम बंद करके रखना नहीं चाहिए, रूम अपना खुला रहेगा, कस्टमर आते भी रहेंगे और अपना भाई कमाई चलता रहेगा। और भाई ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन का भी काम ख़त्म हो चुका है, ओके मैं इसको ना यहाँ रख देता हूँ। चलो भाई, तो चलो ये अपने रूम में चली गई है, और मैं इस रूम में भाई अपग्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग को उधर दिखा नहीं सकता। तो चलो मैं फटाफट अपग्रेड करता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। ओके भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रूम अपग्रेड कर दिया, और भाई आप लोग देख कर बताओ कि इस रूम में पहले क्या था और अब क्या है। तो भाई आप लोग देख लो, और भाई मैंने पूरा फुल अपग्रेड कर दिया भाई, देख रहे हो यहाँ पे भाई, ये गोल्डन वाला मैंने रखा है इन लोग के लिए यहाँ पे टिश्यू पेपर। तो चलो भाई, अभी मेरे ऑफिस में एक कस्टमर आ रखा है, मैंने उसको फटाफट इस रूम को दे देता हूँ, अगर वो सिंगल वाला हुआ तो मैं उसको सिंगल ये रूम दे दूंगा। भाई यहाँ पर तो डबल चेयर पहले से ही है, ओ भाई पहले से ही है क्या कोई यहाँ पे, भाई यहाँ पे मैं डबल चेयर रख देता हूँ, क्योंकि इस डबल रूम बेड है, इसलिए फटाफट चलो भाई, उसका टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको कौन सा रूम चाहिए भाई। ओ भाई क्या बात है, इसको तो सिंगल बेड का चाहिए, तो चलो मैं इसको एक रूम वाला दे देता हूँ। और भाई यहाँ पे क्या है, पेमेंट भाई बहुत कम मिल रहा है यार, देखो 25 तो इसको, चलो कोई बात नहीं यार। ओके यहाँ पे मैंने एक रूम को कर दिया है, और भाई मुझे सेकंड वाले रूम को भी अपग्रेड करना है, लेकिन इससे ज़्यादा। तो चलो भाई यहाँ पे मैं अब जाता हूँ, और 25 से ज़्यादा उसको कोशिश करता हूँ कि भाई हो, 30 तक मैं अगर हो सकता है तो करने की कोशिश करता हूँ। तो चलो फटाफट भाई इस रूम को भी मैं अपग्रेड करता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ कि इसमें चेंजेस क्या क्या मैंने किया है। ओके भाई, ये टास्क तो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा एकदम, देख रहे हो आप लोग, बेड वेड सब कुछ लगा दिया भाई, एकदम भयानक लग रहा है यार, भयानक, बहुत ही ज़्यादा भयानक भाई, एकदम अपना जो रूम है ना आलिशान रूम बन चुका है, इसको भाई ये रख दिया भाई, देख रहे हो आप लोग, एसी वेसी सब लग चुका है यार, किसी चीज़ की कमी नहीं है। रूम रेंट ओके भाई, अब बस ना मुझे कुछ कुछ चीज़ है
जो कि यहाँ से वेयर हाउस से लेकर आना है और लगाना है। भाई ये देख रहे हो बल्ब, भाई बहुत ही भयानक भयानक चीज़ मैंने मंगा रखा है। भाई देख रहे हो पूरा यार कचड़ा बन रखा है भाई अपना वेयर हाउस तो। बाकी मैं ना ये झूमर झामर लगा देता हूँ भाई। वैसे ना इस रूम में तो अब ज़रूरत है नहीं, और इस रूम में भी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। एक यहाँ पे बेटर लगेगा भाई। वैसे ना मैं इस रूम में के लिए भी AC मंगाया हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि पहले ना इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है भाई, लोगों को तो दिखना चाहिए ना भाई। एक एक देखो नॉन AC सिंगल बेड है, हो गया मेरे पास। और एक भाई ये कब निकलेंगे ये लोग, ऐसे गलत बात है झांकना। चलो तो भाई मैं ना इसको पंखे को यहाँ से नीचे लगा देता हूँ, और इसको भाई यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ। भाई चेक करो लाइट, भाई लाइट चेक करो, एक सेकेंड भाई। भी यहाँ पे रखने के बाद भी ये जल रहा है, क्या बात है भाई। देख लो ये सिंगल है जो पूरा जला के रख दिया भाई। ऐसे ऐसे लाइट रहते हैं तो भाई मज़ा आता है लगा रखने में। ओके यहाँ पे ये हो चुका है, अब मुझे ये समझना पड़ेगा। पहले ना मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, पहले भाई कुछ खा लेता हूँ, भाई बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। ये तो इसको तो मैं ना ऊपर ही लगा देता हूँ, ताकि भाई मुझे पता चलता रहे कि मेरे पास क्या क्या है। भाई इसको भी मैं पहले तो मैं इन सबको, ये नहीं आने वाले लग रहे हैं भाई, ये कहीं नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैं छोटू पैक को ही ये सब रखा गया। इसको भी रख ही लेता हूँ, ये भी आ ही जाएगा शायद, नहीं आ गया। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहे, ये कम से कम सामने है, पता लग रहा है कि भाई ये चीज़ अभी है फ़िलहाल मेरे पास। और मैं देखता हूँ रूम 1 रूम 2 में कुछ कमी तो नहीं है। अब भाई क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, रूम रेंट 2x1 शॉप। अच्छा ओ भाई ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है कि भाई रूम में 2 लोग आए अभी तक। और भाई मैं इस टास्क को कंप्लीट करता हूँ फटाफट, यहाँ पे रूम देखता हूँ, सब रूम रेडी है भाई। चलो अब बस वेट करना है कस्टमर के आने का। अगर भाई देखो आप लोगों को भी दिक्कत आता है ना, कस्टमर नहीं आता, तो भाई बस एक बार ये रीसेट बस कर दो बस, इसके बाद देखना भाई आपके पास ऑटोमेटिकली आने वाले रहेंगे। भाई पहले ना मैं पेट्रोल वाले को बुला लेता भाई, क्योंकि यार मैं भूल गया था ना कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है भाई, 82 लीटर ही बस बाकी है। चलो अब बस वेट करना भाई। क्या बात है भाई, कस्टमर आना स्टार्ट भी हो चुके हैं। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये अपना जा रहे शॉप शॉप करने, और ये भी भाई कुछ खाने पीने के लिए लेने जाने वाले हैं। भाई ये कौन सी कार है भाई, ये तो विन डीजल वाली लग रही है भाई, उसी से चुरा के। भाई ये देखो भाई साइलेंसर देखो इसके, भाई ये क्या इसने छोड़ दिया पीछे। भाई ये एक नंबर कार है यार, इसमें विन डीजल ही है क्या? नहीं भाई ये तो लग रहा जो विलन नहीं था उस मूवी में वो है। चलो भाई आप लोग का स्वागत है, आप लोग आ जाओ जल्दी फटाफट, जो लेना है जल्दी से ले लो। भाई ये यहाँ क्यों रुक गए हैं, भाई ये मरी मरी क्यों चल रही है। चलो जो लेना भाई फटाफट ले लो, फटाफट जल्दी जल्दी है। अबे मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, उधर चल जा भाई, एक वहाँ पे भी बंदा आ चुका है। चलो फटाफट देखो भाई, एक कंप्लीट हो चुका है मेरे पास। चलो तुम लोग लो, मैं ना तब तक उसको सुलटा के आता हूँ। ठीक है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको सिंगल रूम चाहिए। भाई भाई ये क्या कर दिया खड़े खड़े तूने, हैं भाई ये चीज़ इन लोगों को बहुत बेकार लगता है। चलो मैं ना फटाफट पहले देखता हूँ। भाई 24 घंटे के लिए रहना है, चलो होल्ड कर भाई, तू जा रूम नंबर 1 में ऐश कर, ऐश थैंक्स। कर भाई ऐश कर। ओके भाई यहाँ पे यार इन लोग का मतलब टाइम घटता है ना, तो फिर ये लोग बौखलाने लग जाते हैं।
थैंक्स भाई, ये कस्टमर हो दो हो चुके हैं भाई, ले ना जल्दी। ओ भाई अच्छा खासा खरीदारी किया भाई इसने भी भाई, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है ना मुझे कि ये ख़त्म होने वाले हैं। भाई अभी खाने पीने का सामान तो है बहुत ही अच्छा खासा है भाई। ये पान किस, कौन आया भाई इधर? यूपी बिहार से कौन वाला है? जल्दी आओ सामने आओ भाई। भाई ये वो भाई मोटल में एक और बंदा आ चुका है। चलो मैंने इधर से कुछ कपड़े निकाल लेता हूँ जो कि धुल चुके हैं। भाई मैंने बहुत खिचड़ी कर रखा है यार, देख रहे हो? एक मतलब टाइप के बेड वो नहीं है, मतलब बेडशीट नहीं है, जो भी है भाई देखो टाइल्स में भी यहाँ पे दिक्कत हो रखा है। अबे भाई टॉयलेट यहाँ क्या कर रहा है भाई? इसको ना फटाफट इसको वहां रख के आता यार। भाई मेरे पास एनर्जी खत्म हो रहा है भाई। ये कौन सा कार है यार? BMW का लग रहा है। अबे भाई भाई भाई, भाई अंदर जा अंदर जा। हाँ, आ रहा हूँ मैं। पहले ना कुछ खा लेता हूँ फिर मेरे पास एनर्जी आ जाएगा। भाई देख रहे हो अब पूरा भीड़ लगने वाला, मतलब एक बार में काम नहीं है और लेकिन काम जब आ जाए तो भाई पूरा एकदम भीड़ लग जाएगा। चलो मैं इसको पहले फटाफट चलता था। भाई इसके साथ सिंगल है क्या ये? लेकिन यार सिंगल रूम तो मेरे पास खाली नहीं है शायद। भाई इसको 72 आवर्स के लिए चाहिए, कोई बात नहीं मैंने इसको सेकंड वाला रूम दे देता हूँ भाई। कोई बात नहीं, डबल बेड है नहीं ना, इसको मैं थर्ड वाला दे देता हूँ भाई। भाई जल्दी 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 दे। ठीक है भाई। That's cool. भाई ये कचड़ा क्यों करते हैं मेरे को समझ नहीं आता है। भाई 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 फ्यूल फ्यूल फ्यूल, जल्दी 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 भाई। देख रहे हो अब मेरे को लगता है ना मोटल बंद। भाई देख रहे हो 20 लीटर भाई, 16 लीटर है, मतलब सॉरी 16 बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा ही चला गया भाई। इसके पास 6 लीटर। वो भाई ये कौन सा बाबा भाई, इसके पास आराम से हो जाएगा। चलो मैं ना पहले मोटल को बंद कर देता हूँ भाई, क्योंकि मोटल का टास्क कंप्लीट हो चुका है। मोटल को किया मैंने ऑफ। अब भाई फ्यूल बस 10 बाकी है और शॉप का 10 बाकी है। फटाफट फटाफट जल्दी 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 इसको भी कंप्लीट करता हूँ मैं। भाई इसको एकदम करेक्ट। अरे यार भाई इसको भी गुड चला जॉब। ही गया एक एक्स्ट्रा। जल्दी 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 आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। इसको भी कंप्लीट करता हूँ, इसको भी निकालता हूँ यहाँ से जल्दी। भाई करेक्ट रो का यार मैंने, क्या बात है भाई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? भाई यार ये देखो एक इंडिकेशन होना चाहिए यार कि फ्यूल खत्म हो रहा है इसमें। भाई डायरेक्ट बंद कर देता जनरेटर, जैसे यहाँ पे अपना एनर्जी वाला दिखा रहा है ना, यहाँ पे जनरेटर का भी दिखाना चाहिए था। भाई ये कस्टमर आके लग चुका है यहाँ पे लाइन में। चलो भाई कितना लीटर देना है? चलो तो यहाँ पे ले तो तक अभी तो फिलहाल एक ही बंदा और एक बंदा और आ रहा है। चलो मैं तब तक इसको कंप्लीट करता हूँ भाई, जल्दी जल्दी लेकर तो निकल। ओ भाई भाई बस खत्म। थैंक यू। चलो भाई आ जाओ, देखते हैं इसने कितने का लिया है। ओ भाई क्या बात है, That is what I पांच was looking डॉलर for. हो भाई, टिप भी दे कर गया है इन लोगों ने, $2 टिप दिया है मुझे। भाई ये इसने कितना लिया है? बस एक। Thanks. ओके भाई ये भी ले चुकी है, अब बस मुझे क्या करना है को जाने दो। ओ भाई कस्टमर, अरे भाई क्या बात है, इसने स्टॉप किया और भाई यहीं से मेरे यहाँ से पेट्रोल ही भरा आया, क्या बात। भाई यही इसने तो मेरे को $2 टिप दिया था भाई, $2 भाई। फिर मैं फटाफट भरूंगा भाई। मोटर में गंदगी हो रहा है देख रहे हो, थोड़ा सा वो हुआ है बड़ा है।
क्या बात है, एकदम करेक्ट। हैव अ नाइस डे भाई। चलो और 4 कस्टमर टॉप के लिए और 5 कस्टमर मेरे को लग रहा है कि और कार फ्यूल के लिए भी सारी बाकी होंगे शायद इसको कंप्लीट करने के बाद। करेक्ट, दैट वाज फास्ट। चलो भाई देखो दोनों के लिए 4 बाकी है। अब भाई देखो लेट मत करो यार, आ जाओ जितने जल्दी आ सकते हो भाई आ जाओ, मैं बस वेट कर रहा हूँ तुम लोग का। तो भाई बारिश में जाऊँगा तो मैं भी गीला हो जाऊँगा यार। क्या बात है, एक कस्टमर आ चुका है अब। वैसे यार मुझे ना उधर ही रहना चाहिए क्योंकि शॉप को और इसका ही बाकी है ना, फोटो को तो मैंने बंद ही कर रखा है। आ गया सर, आपको कितना चाहिए? बहुत ही साथ देने वाला ये साथ दे रहे हैं। ओके भाई, हम क्या घपला मार सकते हैं इसमें हैं? 3 लीटर डालने की जगह 2 लीटर डाल के काम चलाते, 1 लीटर का पैसा अपने पास बच जाएगा हैं? कुछ तो कर सकते होंगे भाई। इसको मैं कितना दूर तक ले जा सकता हूँ? वो भाई चला गया, ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। और भाई देखो मैं बारिश में नौटंकी कर रहा हूँ, मुझे बारिश में भीगना नहीं है भाई। भाई देखो गैस के लिए और 3 बंदे बाकी हैं और भाई शॉप के लिए और 4। भाई जल्दी आ जाओ ना, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? मुझे भूख लग गया यार इंतजार करते करते। भाई कहीं तो गंदगी हो रखा है देखना। ओ भाई साहब यहीं तो हो रखा है भाई। चलो पूरा साफ कर दिया मैंने, अब बस इंतजार करते हैं भाई। और भाई मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो लास्ट कस्टमर होगा कार फ्यूल के लिए उसके लिए एक सरप्राइज़ भी है मेरे पास है। बस जल्दी जल्दी लोग आ जाएं यार इसमें। ओके भाई फाइनली एक कस्टमर और आ चुका है फ्यूल भराने के लिए हमारे पास। वो भाई लिटरली मैं साफ से वेट कर रहा हूँ और सुबह हो चुका है। चलो मैं फटाफट इसको भरता हूँ। ये मेरा वो लकी कस्टमर नहीं है, लकी कस्टमर जो भी होगा वो 8वां होगा, नहीं सॉरी लास्ट होगा। भाई देखो गलती ज़्यादा पड़ गया भाई, जल्दी आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ भाई। मैं भी सोच रहा हूँ यहीं पे एक खटिया लगा लूँ भाई। एक बेड है ना शायद अपने पास खाली? एक नहीं भाई, दो दो बेड है अपने पास। चलो फिर हम भी यहाँ पे लगाते हैं भाई अपना बेड। भाई एक और कस्टमर आ चुका है सामने, क्या बात है। सॉरी ये भी मेरा लकी कस्टमर नहीं है, इसको भी मैं फटाफट फ्यूल देता हूँ। चलो भाई अब इंतज़ार करते हैं लोगों के आने का। भाई ये किस चीज़ के लिए आया? मेरे को लग रहा है ये शॉपिंग शॉप करने के लिए आया कुछ। ओके चलो भाई। ओके भाई लास्ट फाइनल एक कस्टमर आ चुका है जो कार फ्यूल भराने के लिए आया है और मैं इसको कुछ सरप्राइज़ देने वाला हूँ। पहले मैं ना फटाफट अपना फ्यूल वाला गैस स्टेशन बंद करके आता हूँ क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई अब कोई बंदा आए। ठीक है मैं ना फटाफट बंद करता हूँ। और भाई इसके लिए ओहो वहाँ से भाई और रुक गया। अब भाई इसके लिए जो सरप्राइज़ है मैं आप लोग को दिखाऊँगा भाई। ये भाई इसको टोटल मैं देने वाला हूँ 20 लीटर क्योंकि ये मेरा लास्ट कस्टमर है, तो इसको मैं टोटल 20 लीटर देता हूँ। इसने मेरे को ऑर्डर दिया था 18 का, तो मैंने इसको 20 दिया अपनी तरफ से 1 लीटर एक्स्ट्रा क्योंकि ये मेरा लास्ट और फाइनल कस्टमर था। मेरा टास्क कंप्लीट हुआ फ्यूल वाला, बस मुझे अब इंतज़ार करना है तो जल्दी से ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाए
भाई देखो साफ सफाई रखना जरूरी है, तभी लोग आते हैं हमारे यहाँ पे। इसको भी साफ कर देना जरूरी है। चल भाई तू भी साफ हो जाए थोड़ा ऊपर नीचे। चलो भाई यार इसमें और मेरे को 3-2 कस्टमर चाहिए। भाई क्या कर रहा है, एक्सपायरी देख रहा है क्या भाई? कोई भाई चोरी कर रहा है क्या भाई? काफी सामान लिया है इसने। ओ भाई आखिरी फाइनल कस्टमर आ चुका है हमारे पास, और मैं ना शॉप को अब जा रहा हूँ बंद करने, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि और भी कस्टमर आए। क्योंकि भाई देखो सही सही से मैंने ना हर चीज़ को खोला नहीं है, ओपन नहीं किया, आधा आधा सामान हर जगह पर है। लास्ट ये कस्टमर के बाद मैं इस चीज़ को क्लोज करूँगा। भाई मेरे अपने हाथ से कुछ होता है इन लोग को देने के लिए तो भाई मैं देता, अगर डिस्काउंट भी करना हो सकता था भाई मैं तो इस लास्ट कस्टमर को पक्का डिस्काउंट देता, लेकिन यार मेरे हाथ में इस चीज़ को लेकर कुछ है ही नहीं। तो चलो यहाँ पे भाई मैंने इस टास्क को भी कंप्लीट कर लिया है। अब भाई क्या है भाई, अभी अपने पास आया है ना अनलॉक मोर शॉप पार्क लॉट, अपग्रेड करना है पार्क के लॉट को। ओके फटाफट देखता हूँ भाई। हाँ ये रहा, ठीक है कंप्लीट हो चुका है भाई। अब क्या करना है, अब इन स्टाफ रूम, भाई स्टाफ रूम कहाँ गया? डन ये भी हो चुका है। अब मुझे क्या करना, हायर योर फर्स्ट एम्प्लॉय कहाँ के लिए, शॉप के लिए। शॉप के लिए मुझे एक स्टाफ को हायर करना होगा। क्या हुआ भाई, थी चोर भी आएंगे क्या यहाँ पे? भाई पहले ना इस कस्टमर को देखकर मैं निकलता हूँ, भाई चोर आने वाले हैं ऐसा लग रहा है। भाई डिटेक्टिव है यार ये तो। थैंक यू भाई। अब अपने पास ना टास्क और बढ़ चुका है, 2 रूम रेंट पे देना है मुझे, और 20 कार वाले को का फ्यूल भरना है, और 20 कस्टमर। भाई अब भाई मुझे बस क्या करना है, अरे ग्रेट और सबको मुझे देना होगा अच्छा सा पैसा। बस रूम रेंट के लिए तो याद है यार, अच्छा यहाँ पे रूम गंदा पड़ा हुआ है, मैं तो चाहता हूँ अभी ना आए। तो चलो मैं ना इस रूम को अच्छे से साफ कर देता हूँ। लेकिन यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बने और आप लोग देख कर ही टाइम इग्नोर मार दो कि भाई इस वीडियो को नहीं देखें। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग को मैं इस टास्क को कंटिन्यू रखूँगा और दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।